नमस्कार सत्य सकाल सहित मो अपूर्व मो सहित अच्छा मो सहयोगी निवेदिता एवं जो भाई भाव प्रत्येक दिन सत्य सकाल आम कि विभिन्न खबर कागज बाहर प्रमुख खबर को सामना को आनी थो आज ही किसी खबर रही प्रथम एनडीए परीक्षा में झीव को अनुमति सुप्रीमकोर्ट रूली आसी एणिकी एनडीए परीक्षा में झीव मैंने परीक्षा दे पारे स्मार्ट सिटी कर्तृपक्ष सहरवासी को स्वप्न देखा टेंडर अटकी रही लेक जोन 2017 कार्यकारी हो पारना निवेदिता आउ कौन कौन सब प्रमुख खबर विभिन्न खबर खबर कागज बाहर पूर्व जदि आप देखिए सबुदिन सत्य सकाले जो जो खबर गुड़िक विशेषकर मुख्य प्रसंग था बड़ खबर था विशेषकर खबर कागज सब खबर स्थिर मंडन करें से सब आलोचना करते कहते दुईट खबर विषय कहते परवर्त खबर आम नहीं सरकार को चून लगे ये खबर आसूसी भुवनेश्वर जे पूरा घटना कौन आम विस्तृत भाव आलोचना करने प्रतिनिधि आम सहित जोड़े इको सेनसीटिव जोन रे प्रकल्प ए खबर विषय में आलोचना करने केन्द्रापड़ ए खबर आसूरी खोली पारे षष्ठ रु अष्टम ए खबर रही तेज ए विषय में आलोचना करवा तेज एकादश द्वादश श्रेणी चलो यूट्यूब पाठपढ़ा नि भाव में जो पाठपढ़ा को नहीं एवं द्वंद्व लग रही जदिव किसी मात्र विद्यालय खुली कि अनिश्चितता रही पाने के तृतीय लहर कथा जो कहुच के सुरक्षित स्कूल चिंता प्रकट कर सीबीआई तदंत दाबी रे हाईकोर्ट रे मामला एक खबर रही आज आसिबे केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान और वैष्णव ए विषय आलोचना करबा पूर्व प्रथम खबर आरंभ करबा एनडीए परीक्षा रे जो को अनुमति युक्त दुई स्तर पास करथिबा छात्र छात्री माने लिंगगत बाछ विचार पई एनडीए एवं नाभाल एकेडमी परीक्षा रे शामिल हेबा को इच्छा रखिथिले मध्ये शामिल होई पर नथिले किंतु समान योग्यता थाई पुरुष माने परीक्षा रे शामिल होई परथिले या कोनी एणिकी सुप्रीम कोर्ट रूलिंग देइछन्ति जे झियो माने एनडीए परीक्षा दे परबे पूर्वरु सेना कोर्ट कहिथिले जे परीक्षा दे परबे नै झियो माने किंतु सुप्रीम कोर्ट रूलिंग जारी करिछन् त सहित स्थलसेना को मृदु समालोचना मध्ये करि कहिछन्ति जे लिंगगत बाछ विचार को स्थलसेना प्रोत्साहित न करु एवं झियो माने एनडीए परीक्षा रे शामिल होई परबे तेणु सेप्टेम्बर 5 रे हेबाकु थिबा एनडीए परीक्षा रे झियो माने भाग नै पारिबे बोली देशर सर्वोच्च अदालत कहिछन्ति सुप्रीम कोर्ट झियो मानकु एनडीए अर्थात नेशनल डिफेंस एकेडमी परीक्षा रे शामिल होई परबाने अनुमति देइछन्ति चलित वर्ष सेप्टेम्बर 5 रे हेबाकु थिबा एनडीए परीक्षा रु एहि आदेश कार्यकारी हेबो तत्क्षणात जो माने अप्लाई करिवे से माने एथरो एनडीए परीक्षा दे परिवे बा नेशनल डिफेंस एकेडमी रे परीक्षा दे परिवे ए संपर्कित तो मामलार शुणाणी समय रे सेना पक्ष सेना निज पक्ष रखिथिला कहिथिला जे महिला मानकु एनडीए परीक्षा रा अंतर्भुक्त न करिबा एक नीतिगत निष्पत्ति एहा परे सर्वोच्च न्यायालय तागिद करी कहिछन्ते जदि एहा नीति एक निष्पत्ति तबे एहा लिंगगत भेदभाव को प्रोत्साहित करूछि गगन विश्वाल आम नुआदिल्ली प्रतिनिधि अच्छा अधिक सूचना पई गगन जो झील मानकर इच्छा थिला जे नाभाल रे परीक्षा देबे एनडीए परीक्षा रे शामिल हेबे सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग परे सेमानकु एक नुआ आशा मिलिछि एक नुआ आशार संचार होइछि देखो अपूर्व निश्चित भाव देखिए स्वाधीनता दिवस प्रधानमंत्री डिक्लेयर कले सैनिक स्कूल महिला मान जो बालिका मान एंट्री करेंगे बर्तमान सुप्रीम कोर्ट रूलिंग देखते एनडीए परीक्षा जो रही परीक्षार्थी मान रही सामिल हो पारे तेरे निश्चित भाव गोटे पटे जो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो नारा दौले बर्तमान सफल होगा सरकार उद्यम करते बर्तमान सुप्रीम कोर्ट गोटे रूलिंग देखते निश्चित भाव ये जो महिला माने बा जो शिक्षार्थी माने जो माने इच्छा प्रकाश करछन्ती एनडीए परीक्षा शामिल हेबा पई खास करी ये जो पिटीशन दायर कराई थला ये नाभाल एकेडमी परीक्षा एडमिशन नेबा पई त निश्चित भाबे ये जो पिटीशन दायर करा जाय थला एवं दीर्घ दिन रु ये नि सुप्रीम कोर्ट रे पाखा पाखे देखबे 2-3 वर्ष धरी लगातार भाबे सुनानी होतला कोविड कटकणा भितरे ये कोर्ट ना कोर्ट टिके डिले हेतला सुनानी प्रक्रिया रे त निश्चित भाबे गतकाली माननीय सुप्रीम कोर्ट जेबोली भाबे राय देखथि उ ऐतिहासिक राय बोली सुप्रीम कोर्ट को कहबी अपूर्व कहीं देखिए अनेक दिन धरी जो पूर्व कहीं डिफेन्स कोर्ट पूर्व ये नहीं स्पष्ट भाव निज राय प्रकाश करते एक डिफेन्स रीतिगत निष्पत्ति रही सुरक्षा दृष्टि हू बा अंतरीण जो निर्देशनामा प्रोटोकॉल दृष्टि हू से नीतिगत निष्पत्ति मानव सुप्रीम कोर्ट गत सीधा सड़क उल्लेख कले जदि झील मान महिला मान सामिल सीधा सड़क जो आर्टिकल रही 14, 15, 19, 16 यार सीधा सड़क उल्लंघन कर दृष्टि समस्त को सामान अधिकार मिलवा उचित खास कर स्वाधीनतार एत वर्ष पर लिंगगत भेदभाव न रहा उचित आप जानते पूर्वर किन्नर मानक नहीं एक ऐतिहासिक राय सुप्रीम कोर्ट रे माननीय सुप्रीम कोर्ट देते भाई भाव में गोटे लिंगगत भेदभाव कौन सी जगार रहा उचित नुहे तेणु से दृष्टि माननीय सुप्रीम कोर्ट जो रूलिंग देखते निश्चित भाव जो मैंने ये क्षेत्र में जीवाई इच्छा रखते
ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କାହିଁକିନା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5 ରେ ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଇଏ ଯୋଉ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟଙ୍କ ମାନ୍ୟବର ଯୋଉ ରୁଲିଂ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ରୁଲିଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ओके बहुत बहुत धन्यवाद गगन विश्वाल नुआदिल्ली प्रतिनिधि पूरा अपडेट देते जे सुप्रीम कोर्ट रूलिंग देते एनडीए परीक्षा इन के झीव को अनुमति मिल पूर्व डिफेंस कोर्ट बा सेना कोर्ट स्पष्ट भाव कहते मिल पार ना कि सुप्रीम कोर्ट सेना को मृदु समालोचना करने सहित स्वाधीनतार एत वर्ष पर लिंग भेद को कम से कम सेना स्वीकार न करू सेना प्रोत्साहित न करू बोली सुप्रीम कोर्ट निज राय निहती भाव में अपूर्व ये निहती भाव में खुशी खबर जो मैंने एनडीए परीक्षा देवाक चाहूबे सुप्रीम कोर्ट को यह रूलिंग पर निहती से खुशी थे तेज परवर्त खबर जहाँ रखिंटे आम स्मार्ट सिटी कर्तृपक्ष सहरवासी को स्वप्न देखाऊँ जो भाव नंबर वन स्मार्ट सिटी भुवनेश्वर को करने देश में नंबर वन केमती हम भुवनेश्वर तेज के संपूर्ण हे जहाँ कि सहरवासी चाह बस यारी मध्य स्मार्ट सिटी स्वप्न देखा केन्द्र और राज्य सरकार के स्मार्ट सिटी कर्तृपक्ष के सहर को स्मार्ट सिटी वास्तव रूप देते समस्ते चाह बस तेरे स्मार्ट जनपथ प्रकल्प वर्तमान सुधा शेष होना जनपथ स्मार्ट होगा परिवर्तन एवं स्मार्ट जंत्रण में परिवर्तन होना जो स्मार्ट सिटी टाउन सेंटर डिस्ट्रिक्ट अधीनस्थ प्रकल्प गुड़िक ठीक भाव कार्यकारी हो पारना तेज मल्टीमोडाल हब ए स्वप्न हो रही जाएगी मास्टर कैंटीन स्टेशन रूप बदल 2015 मसीह योजना होता बेले एपर्त कार्यकारी करपटे सहर से 10 प्राकृतिक नालर पुनरुद्धार कर 10 नंबर प्राकृतिक नाल और यार निकटवर्ती 38 एकर जमी में लेक जोन 3 निर्माण होगा बेले यह भी कार्यकारी हो पारे जो अनेक समस्या अपूर्व रही जो राजधानी वासी जो स्मार्ट सिटी लक्ष्य रखा जाता भुवनेश्वर को स्मार्ट सिटी किंतु कोटना कोटी ये पछरे पड़ जाए तेणु राजधानीवासी चाह बस के संपूर्ण हे स्मार्ट सिटी और देश में नंबर वन हे भुवनेश्वर ताकू समस्त अपेक्षा रही है सेपरी टेंडर भी बदली चलती है लेक जोन 3 निर्माण पर 2017 मसीह प्रथम टेंडर करते 33 कोटी टंका खर्च हो आकलन होता है व्यय अटकल अधा हो जाए 5-6 थर डिजाइन बदलिबारे जो ए डिजाइन चूड़ा रूप दि जाए ना जहाँ जना पड़ी बाबद आलोचना करने चिन्मय साहू आम भुवनेश्वर रिपोर्टर आम सहित जोड़े चिन्मय स्मार्ट सिटी बासी चाह रही देश में केवे भुवनेश्वर नंबर वन हम एवं भी पचर पड़ जा स्मार्ट सिटी आप जानते बर्षा दिन स्थित कौन हुए राजधानी एवं भी अनेक कार्य बाकी रही तेज के स्वप्न पूरण होगाकू अपेक्षा कहीं देश में नंबर वन होगापी स्मार्ट सिटी भुवनेश्वर को नंबर वन करने योजना चलती निहत भाव निवेदिता जी कह पूर्वर भुवनेश्वर स्मार्ट सिटी करने विभिन्न प्रकार योजना चली कोटी रास्ता कम चली कोटी सौंदर्यकरण नाम रास्ता कम रास्ता को खोला चलती एवं जी बर्षा दिन कथा कह बर्षा दिन मुख्यतः भुवनेश्वर समस्या हूँ ड्रेनेज समस्या और रास्ता समस्या जदि आम सौंदर्यकरण कथा कह कौटिना कौटी सौंदर्यकरण ना रास्ता गुड़ को नष्ट कर दि जाऊँगी सौंदर्यकरण ना पानी पाइप हो विद्युत तार हो विभिन्न प्रकार सरकारी संस्था हूँ बा बेसरकारी संस्था रास्ता गुड़ी खोली नष्ट कर सौंदर्यकरण ना रास्ता गुड़िकर विनाश करते रास्ता गुड़ को सजाड़ कथा सीमेंट पिचु ढाली रास्ता गुड़ी से भाव में ठीक रूप से रास्ता गुड़िकर कार्य होफल कि कौटिना कौटी ट्राफिक्र समस्या सृष्टि होटिना कौटी पा जमुच जहाँ राजधानीवासी गोटे चिंतार विषय बीएमसी को या प्रति दृष्टि देवा निहाती दरकार जहाद्वारा कि आम जो स्वप्न देखुचे कि स्मार्ट सिटी भुवनेश्वर को 1 नंबर सारा भारत में करार अच्छी तेणुक आउप तुरंत पदक्षेप नवा दरकार जदि कह ड्रेनेज प्रोब्लेम हो रास्ता समस्या युवर सठिक भाव में ठीक समय काम करने आवश्यक बर्षा दिन मुख्यतः पानी समस्या देखा मिलूँ राजधानी में कितु जदि कह रास्तार जो उन्नतिकरण जो सब योजना करोटिना कौटी से सब भितर बीएमसी निजर अपारगता परदर्शित कराफल कि लोक मैंने समस्या सम्मुखीन होती आम जो स्वप्नटी रही कि राजधानी भुवनेश्वर गोटे स्मार्ट सिटी मान्यता पाइब कौटिना कौटी पछरे पड़ जाऊ आ गोटे कथा आपड़ जानते विशेषकर राजधानी ट्राफिक समस्या कथा आप देखते जोबले ऑफिस आवर कथा देखते सकाल जो समय आप देखिए 7-10 कि 11 पर्यटन कि सन्धार 5-8 पर्यंत स्पेस जाम रुए ट्राफिक समस्या गोटे बड़ समस्या यार भितर आपड़ कहते रास्ता अनेक स्थान रे रास्ता खोल जाइए केमती काम हम सब या देखा मिले जे जो भाव पूर्त विभाग सब बाहर बेले बैगण रुआ जमी कहुए ना से बर्षा समय ही रास्ता कम आरंभ हुए ड्रेनेज कम आरंभ ये गोटे बड़ समस्या बीएमसी को ये दृष्टि देवार आवश्यकता रही ना नहीं
निहाति भावे निवेदिता जी कहवा यहाँ लोक मान गोटे बड़ समस्या बीएमसी को एप्रति दृष्टि देवा निहाती आवश्यकता रही आउ गोटे कथ कह चाहिए जी मो सल योजना हो विभिन्न प्रकार योजना करी जोटि की रास्ता गुड़िक लोक चलने सैकल रखापी सैकल चलवापी बीएमसी तरफ व्यवस्था कर जो कि आम कहीपर रास्ता गुड़िक संकुचित हो जाए गोटे प्रकार सौंदर्यकरण और राजधानी को विकास करने ना जदि कह रास्ता गुड़िक संकुचित होद्वारा कि ट्राफिक समस्या हो जो रास्ता कम गुड़िक चली ड्रेनेज कम चली सेगुड़ी एपर्तंत संपूर्ण हो पारे जेहेतु एवं बर्षा दिन चली समय रास्ता घटे पा जमुई जहाद्वारा कि ये भी गोटे प्रकार समस्या सृष्टि कर ट्राफिक समस्या और जेहेतु एवं राजधानी में डेंगू व्यापुची तो ये सबको लेकिन बीएमसी को चिंता करने आवश्यकता रही जद्वारा जदि कहीपर भुवनेश्वर स्मार्ट सिटी मान्यता पाइपर ओके न्यांती एभले अनेक कथा रही जाइछि जाको के न्यांती बीएमसी दृष्टि देबार आवश्यकता रही छि चिन्मयी जे जे भले भाबे जो समस्या गुड़िक रही छि आपण जेमति कहुतले ड्रेनेज समस्या कथा कोंतु रास्ता समस्या कथा कोंतु ट्राफिक समस्या कथा कोंतु तमाम समस्या राजधानी रही छि जेतेबेले स्मार्ट सिटी रो स्वप्न राज्य सरकार देखुचंती तेनु विशेष भाबरे बीएमसी ओ पूर्त विभाग हो एमानकु दृष्टि देबार आवश्यकता रही छि जे केमति नवरम नेबो तबे चिन्मयी आ गुटे कथा होछि आपण जानितबे ड्रेनेज समस्या कथा जदि आपण देखिबे जे डेंगू व्यापुचि राजधानी रो स्पॉट किसी रही है जोटे कि अलिया आवर्जना जो डेंगू राजधानी स्थिति निहाती सांघातिक वर्तमान उपजला ड्रेनेज उपर बीएमसी के दायित्वान कहीं ड्रेन सफा करने गोटे बड़ भूमिका वर्षा हेले ये समस्या राजधानीवासी भोगती निहाती भाव में जेहेतु बर्षा दिन एवं राजधानी रे कोरोना परे एबे डेंगू सारा राज्य रे एवं विशेषकर राजधानी रे तार काया विस्तार कर चलचे ए समय कथा जदि कबा बीएमसी रो निद भांगीबा दरकार एवं बीएमसी एथि प्रति पदक्षेप नेबा दरकार ड्रेनेज समस्या कथा जदि कबा ड्रेनेज समस्या रो जदि काम करिवार अछि त पूर्वरु बर्षा दिन पूर्वरु काम करबा आवश्यक किंतु बीएमसी कोठी ना कोठी जदि आमे देखुचे बर्षा दिन आरंभ रे ड्रेनेज काम आरंभ करूचे एवं रास्ता खोली दोउचे जद्वारा ट्राफिक समस्या हेउची एवं जो रास्ता खोला जाउची सेठी पानी मध्य जमुची जाद्वारा कि डेंगूर मध्य डेंगू मध्य व्यापुची एवं पानी जमुची एथि प्रति बीएमसी को नजर दबा दरकार एवं वर्षा दिन पूर्वरु कार्य जदि आरंभ करा जाय थांता तबे बोध होय एबे ए समस्या गुडी को लोक माने भोगंतनी तो एथि प्रति निर्दिष्ट भाबरे जदि कहबा बीएमसी एथि प्रति ध्यान दबा दरकार नै बेका न्यांती भाबरे गुटे स्थायी प्रतिकार हेबा दरकार चिन्मयी जाकि न्यांती बीएमसी ओ किबा पूर्त विभाग को एको दृष्टि रे रखिबा आवश्यक तेनु राज्य सरकार जतेबेले भुवनेश्वर को नंबर वन स्मार्ट सिटी करने चाहते पूरा देश में तेज ये दिग्गज सरकार प्रस्तुत एवं कौन सब व्यवस्था कर सब चिंताजनक बहुत बहुत धन्यवाद चिन्मय साहू रिपोर्टर बाबद सविशेष आलोचना कर आपड़ देखुंत सतेज सकाल आगक रही आहरी किसी प्रमुख खबर जहाँ आलोचना करवा रिपोर्टर ठूँ तथ्य नवा कि समय हो ब्रेक र ब्रेक पुणि स्वागत इको सेंसिटिव जोन रे प्रकल्प परवर्ती खबर जहाँ आसूसी जे खरस्रोत्र भद्रक को पानी देवा बिवाद भितरकनिका उपर यार डायरेक्ट प्रभाव पड़ पारे एने परेशविद मैंने आंदोलन कर दस तारिखर श्रीकांत नायक सेंसिटिव जोन मॉनिटरिंग कमिटी सदस्य अनशन करने सहित धारण में बसी एपर्तंत सरकार निद्रा भंग होना मंजूरी सत्वे वनांचल प्रस्तुत होना मास्टर प्लान जैव विविधता उपरे प्रभाव पड़ोनी बोली रिपोर्ट रे उल्लेख मध्ये नाही अर्थात जदि खरस्रोतारु पानी उठुची जे कोनोसी व्यवस्था न करी ताहले सीधासलख भितरकनिकार जैव विविधता नष्ट होई पारे भितरकनिका धीरे धीरे लोप मध्ये पाई पारे अर्थात भितरकनिकारे जल कष्ट बा जल संकट मध्ये देखा दे पारे एने पूर्वरु मध्ये बैठक होईची 2018 सुधा इको सेंसिटिव जोन रे एक मास्टर प्लान प्रस्तुत करबाकु निष्पत्ति होईतला किंतु आज पर्यंत तार रूपरेखा मध्ये चूड़ांत होई पारि नाही मास्टर प्लान प्रस्तुत छाड़ ए छर बैठक बसी चारोटी प्रकल्प मॉनिटरिंग कमिटी अनुषित हो हिमाद्री माझी आम प्रतिनिधि अच्छा अधिक सूचना हिमाद्री छर बैठक बसी चारोटी प्रकल्प मॉनिटरिंग कमिटी अनुमति देखु एपर्तंत तार मास्टर प्लान प्रस्तुत हो पारि ना सरकार अवहेलार यह आउ एक निदर्शन कहुपे गोटेपटे पा नापी सरकार मेगा प्रकल्प करुँचार कुप्रभाव कौन पड़े से नहीं सरकार आकलन कर पार ना निश्चित अपूर्व कारण देखो जो भाव में विश्व प्रसिद्ध भितरकनिका अच्छी निकट बहुत निकट में बरुणटिया
ଯୋଉ ଆମର କରୁଣାଟିଆରେ ଯୋଉ ଖରସ୍ରୋତା ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଉ କରାଯାଉଛି ସରକାର କରୁଛି, ସେ ବାବଦରେ ଯଦି ସେଠି ପାଣି ନିଆଯାଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଯୋଉଟିକା ଜୀବଜନ୍ତୁ ଉପରେ ଜନସାଧାରଣ ବହୁତ ଭୟ ଆତଙ୍କିତ ଭିତରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି। हिमाद्री आ मध्ये जानिबाक चाहूँ पूर्वर कमिटर बैठक बारंबार बसी सत्वे एपर्यंत कौन पर सठिक निष्पत्ति निजाई पारिना कौन जहाँ कहा जाइए 2018 शेष सुधा इको सेनसीटिव जोन एक मास्टर प्लान प्रस्तुत करने को निष्पत्ति होता एपर्यंत कौन हो पारा ना किए दायी एथ क्या दायी कर ପରିବେଶ ଉପରେ ଯଦି ଠିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଠିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଭଳିଆ ଯଦି ନିଷ୍ପତ୍ତି ତରବର ଭାବରେ ନେଉଛନ୍ତି ଯୋଉ ପାଇଁ କି ଭିତରକନିକା ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଭଳିଆ ଭାବରେ କିମ୍ଭୀର ହଉ ହରିଣ ହଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅହିରାଜ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ସେଠୁ ପାଣି ନିଆଯାଉଛି ତାହେଲେ ଏଠି ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ପୁଷ୍କରଣୀ ଅଛି ତାହାର ଭବିଷ୍ୟତରେ ଶୁଖିଯିବା ପରେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ପ୍ରତି ଅନେକ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ। ଓକେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ହିମାଦ୍ରୀ ମାଝି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଏନେଇ ପୁରା ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ। निहती भाव में अपूर्व जदि आम देखा परवर्ती खबर जहाँ रही है आज आसवे केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान और अश्विनी वैष्णव निहत भाव में बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा अवसर में आज से गस्त करते तेरे गुरुवार जानवे अर्थात आज ओडिशा गस्तर केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान और अश्विनी वैष्णव दुई केन्द्रमंत्री बीजेपी पक्षर भव्य संवर्धना देवाक व्यापक प्रस्तुति आरंभ हो दुई केन्द्रमंत्री बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा अवसर में विभिन्न जिला आज बुलवे परिदर्शन करेंगे लोक को केन्द्र सरकार जो योजना करके दूर विभिन्न जनकल्याणकारी कार्यक्रम संपर्क में लोक को अवगत कराइबे विशेषकर आप जानते ग्रामांचल जो रही जानपारे केन्द्र सरकार कौन सब योजना रही लोकों निकट यहाँ सठिक दिगरे पहुंचे ना यार तदारख करेंगे तेज जदि आप देखिए दुई केन्द्रमंत्री अभियान बीजेपी आसंता पौर पंचायत भोट पर वातावरण सृष्टि कर राजनैतिक मल अनुमान निहत भाव में जेहतु आगक जेहेतु आग को आसंता पौर पंचायत भोट रही है तेणु निहांती भाव में गस्त गोटे बड़ गुरुत्व बहन कर प्रदीप्त महापात्र भुवनेश्वर विमान बंदर आम सहित अच्छा प्रदीप्त जमती कि आज दुई केन्द्रमंत्री आसुचार गस्तर निहांती भाव में गस्त गोटे उभय गस्त गोटे बड़ गुरुत्व बहन करोपाई बीजेपी पक्षर मध्य भव्य संवर्धना व्यापक प्रस्तुति आरंभ हो सारी प्रस्तुति पर्याय आप कि देखुंत ओके खुबसूरत प्रदीप्त सहित जोड़े जेहतु भुवनेश्वर विमान बंदर में प्रदीप्त महापात्र रिपोर्टर अच्छा चित्र देखिपे पूरा प्रस्तुति आरंभ हो सारी जेहतु दुई केन्द्रमंत्री गस्तर आसुचार भाव में केन्द्र सरकार विभिन्न जनकल्याणकारी कार्यक्रम संपर्क में लोक अवगत कराइबे यारी मध्य जितेबाला आसंता पौर पंचायत भोट रही है उभय केन्द्रमंत्री गस्त गोटे बड़ गुरुत्व बहन करजेपी को गोटे बड़ मजबूत करजेपी आत्मटा नि मजबूत लोकों भितरे केते उत्साह रही कार्यकर्ता भितरे केते आनंद रही तहार सीधासलख चित्र आप देखि जापे जे पारंपरिक नृत्य द्वारा पारंपरिक वाद्य द्वारा दुई केन्द्रमंत्री को स्वागत करने भुवनेश्वर विमानबंदर विजु पट्टनायक विमानबंदर तमाम व्यवस्था सरी कार्यकर्ता अपेक्षा करई केन्द्रमंत्री अश्विनी वैष्णव और केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान आज ओडिशा रे पहुंचिबे जन आशीर्वाद यात्रा पूरी पर्यंत यात्रा चलिबो एवं मझे बकुल वन में परिदर्शन करिवार कार्यक्रम रही जो बकुल वन में पंचसखा मनीष तैयारी करुले जो मैंने परवर्त समय ओडिशार विभिन्न क्षेत्र में निजक प्रतिष्ठित कर तो से ही पंचसखा को आज केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान श्रद्धाजलि देवे स्मृतिचारण करेंगे तो सहित तो अश्विनी वैष्णव केन्द्र रेलमंत्री एपस्थित रे तो प्रथम थरपाई केन्द्र शिक्षामंत्री भाव दायित्व नापर धर्मेन्द्र प्रधान ओडिशा गस्त पश्चिम ओडिशा बुलवे रेलमंत्री ट्रेन में दक्षिण पश्चिम ओडिशा बुलवार अश्विनी वैष्णव कार्यक्रम रही
ନିହାତି ଅପୂର୍ବ, ଇଏ ନିହାତି ଆମ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବର ବିଷୟ ଯେ ଦୁଇ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଦୁଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ ଚାରିଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ରହିଛି ଏବଂ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଯେ ପୁରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗସ୍ତର ଯାତ୍ରା ରହିଛି ଏବଂ ୟାରି ମଧ୍ୟରେ ବକୁଳ ମନ ମଧ୍ୟ ଯିବେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ମଧ୍ୟ ଦେବେ, ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିବେ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ଦୁଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ବିଜେପି ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ପୌର ପଞ୍ଚାୟତ ଭୋଟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭଲ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, କାହିଁକି ନା ଅନେକ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ରହିଛି ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ନା ନାହିଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଅବଗତ ମଧ୍ୟ ଏ ବାବଦରେ କରାଇବେ। ତେବେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଦଳ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଜନ ଆସିବା ଯାତ୍ରା, ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବଂ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା ସମସ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶର 212 ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଇ ଜନ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲୋଡ଼ିବେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। ନିହାତି ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଏବଂ ଆମେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଚିତ୍ର କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖାଉଥିଲୁ ଯେ କେମିତି ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ ବାଜାରେ ପୁରା ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ପରିବେଶ, ନିହାତି ଏକ ବଡ଼ ଭବ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେବା ପାଇଁ ପୁରା ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପୁରା ଖୁସିର ମାହୋଲ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲୁ ମଧ୍ୟ ତ ଦୁଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆଜି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ, ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ସମୟ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସିଧାସଳଖ ପୁରୀ ଯିବେ ଜନ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯାତ୍ରା, ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯିବାର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଆଉ ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି ଯେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି। ତ ଏବେ ନଜର ପକାଇବା ଆଜିର ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଉପରେ, ଖୋଲିପାରେ ଷଷ୍ଠରୁ ଅଷ୍ଟମ ସ୍କୁଲ, ତା'ସହିତ ଏକାଦଶ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀରେ ଚାଲିବ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପାଠପଢ଼ା, ଏ ନେଇ ମଧ୍ୟ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସିପାରେ। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶ୍ରେଣୀ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଶିଶୁ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରିବେ। ଷଷ୍ଠରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବା ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେବା କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯିବ। ବୁଧବାର ଏ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଶିଶୁ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସନ୍ଧ୍ୟାବତୀ ପ୍ରଧାନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଏକାଦଶ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀରେ ଚାଲିବ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପାଠପଢ଼ା, କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ରମଣ କାରଣରୁ ଅନେକ ଅଭିଭାବକ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିକଳ୍ପ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଲାଗି ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ବୁଧବାର ଦିନ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ଅପୂର୍ବ, ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଯେ ଷଷ୍ଠରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିବ ଏବଂ ୟାରି ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ପିଲାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଭବିଷ୍ୟତର କଥା ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ ଏବେ ବି ଅନେକ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଲାଗି ରହିଛି। ୟାରି ମଧ୍ୟରେ ଏକାଦଶ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀରେ ମଧ୍ୟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ା ହେବ, ତେବେ ଏ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସରକାର ନେଉଛନ୍ତି ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ନେଉଛି ଏହା କେତେ ଦୂର ସଠିକ୍ ଦିଗରେ ଯାଉଛି ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର। ଓକେ, ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବିରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ମାମଲା ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟର 12 ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହତ୍ୟା ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଯେଉଁଥିରେ 12 ପରିବାରକୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରର ସମ୍ପର୍କୀୟ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ପୋଲିସର ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି, ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଏ 2 ବର୍ଷ, କିଏ 4 ବର୍ଷ, କିଏ 6 ବର୍ଷ, ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ସେମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନାହିଁ ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ବାରମ୍ବାର ଅଣଦେଖା କରିଛି ଏବଂ ଶେଷକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ହରାଇ ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଯେ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବା ପରେ ଏହି 12 ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହତ୍ୟା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ 12 ପରିବାର ତରଫରୁ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ତରଫରୁ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି ହାଇକୋର୍ଟରେ। ଏଥିରେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବିରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଆଇନଜୀବୀ ସୁବ୍ରତ କୁମାର ନାୟକ ଏହି ମାମଲାର ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ବୁଲେଟିନରେ ସମୟ ଏକ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ର ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଫେରିବା ଏବଂ ହେଡ୍ଲାଇନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା। ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ହଜାରେ ଟପିଲା ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ, 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ 1041 ପଜିଟିଭ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ 398 ଓ କଟକରୁ 176 ଆକ୍ରାନ୍ତ, ସେପଟେ ପୁଣି 68 ଜୀବନ ନେଲା ମହାମାରୀ।
ଦେଶ ନ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ମୋତେ ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା ଫାଶୀ। ୟୁଏଇରୁ ଅଶରଫ ଗନିଙ୍କ ବୟାନ, ଫେରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଦେଶ। ସେପଟେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଅସଲ ରଙ୍ଗ ଦେଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲା ତାଲିବାନ। आज ओडिशा आसुछन्ती केन्द्र शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। नुआ मंत्रालय दायित्व नेबा परे केन्द्रमंत्री प्रथम ओडिशा गस्त। प्रथम दिन में सत्यवादी बकुलवन विद्यालय परिदर्शन, पंचसखा को जणाइबे श्रद्धांजलि। कलाहांडी विश्वविद्यालय को यूजीसी मान्यता सह विश्वविद्यालय तालिकारे कराकला अंतर्भुक्त। ट्वीट करी सूचना देले केन्द्र शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान, विश्वविद्यालय आवश्यक तथ्य प्रदान कले खूब शीघ्र पाइब केन्द्रीय अनुदान। सेप्टेम्बर 1 रु खोल लिंगराज मंदिर, कोविड कटकण में दर्शन करेंगे श्रद्धालु। मंदिर ट्रस्ट बोर्ड बैठक में निष्पत्ति, गर्भगृह को श्रद्धालु प्रवेश मना। महंगा डबल मर्डर मामलें मंत्री प्रताप जेना ना कटा घटना। सालेपुर जेएमएफसी कोर्ट को द्वारस्थ हेले मृत कुलमणि बराल पुह रमाकांत। जाशु मंत्री को ना कटा जाइथिबा अभियोग। बड़ लोकों आवास नदेले माड़, केन्दुझर पीओ को माड़ मारी विवाद रे बद्री पुह देवाशीष पात्र। राज्य आवास योजना केलेंकारी चित्र, शासक दल विधायक मंत्री नेता इशारे चली आवास बंटन। थिला बाला हाँ, नथिला बाला ना। विजु स्वास्थ्य कल्याण कार्ड कन्फ्यूजन, राज्य सरकार को भिन्न भिन्न तथ्य को नहीं बढ़ला अड़ुआ। क्यों तथ्य सत बोली प्रश्न करुछंती लोके। योजनार नवकलेबर को नहीं बर्षिले बीजेपी और कांग्रेस। मयूरभंज जिले में झुंटुची सरकारी योजना, निर्माण श्रमिकों को मिलूनी सरकारी सहायता। लक्षाधिक श्रमिकों होनी पंजीकरण, श्रमिकों मध्य तेजुची असंतोष। पूर्व जमी आम प्रतिदिन सत्य सकाले जन जन अतिथि को डाकि विषय में चर्चा करोचना करमती आम सहित आज जड़े अतिथि अच्छा। आज सत्य सकाल अतिथि होती 14 वर्ष बालकंठ शिल्पी हंसराज दास। संगीतर मधुर मूर्छना भरी दे असंख्य प्राण से उन्मादना। से तो कहुए संगीत मनीष को जीवन भी देपे। कला संस्कृतिर सहर भाव परिचित बारिपदा सहर भंजपुर अंचल बालकंठ शिल्पी सहित आम आलोचना करवा चीर हंसराज दास। मधुर कंठ स्वर जी के दंडे न सुले से स्थान छाड़ी को इच्छा करती ना नि भाव आज स्वागत तो हंसराज दास सहित अच्छा। हंसराज स्वागत करुच्ची तुमको आम कार्यक्रम को आशा कर थे। हंसराज गोटे यूनिक ना ना तुम आखपाखे कह रुनी चे आउ कह ना हंसराज हंसराज प्रथमे तो मु आर्गस टीवी को धन्यवाद जणाइबा को चाहू छी मते इनवाइट करथिबारु। आउ मोर सब दर्शक आर्गस टीवी रो दर्शक मानंकु मु मध्य नमस्कार जणाउ छी। तमे 14 वर्ष किंतु 40 वर्ष कोला कथावार्ता करछ यार। सो मैच्योर जानिबा को चाहू छी हंसराज रो अर्थ कोन। एक्चुअली घरे केबे पचारछ घरे केबे कहिसेंदे हंसराज रो अर्थ तो मु बहुत थरो पचारी छी बट मते की एंती कहि नाहंती। अच्छा बट मु जहा सानो थिला बेले भाबुथिली मते माने मोर सांगो माने चिडौथिले तू उडे हंस मानकर राजा। अच्छा अच्छा ओके सेति की कु नै मत मु सब बेले मामांक पखरे कंप्लेन करे जे मो ना काई हंसराज देलो मो ना एया देलो नी ताहा देलो नी। अच्छा ओके हंसराज जानिबा को चाहू छी गीत केबेठु गाउछ। एबे तो तमे छोटो अछ 14 किंतु केबेठु गीत गाउछ। मु जते बेले 4 वर्ष रे थिली सेबेठु मु गीत गाउछी। प्रथमे तो मो बापांकर ड्रीम थिला तबलिस्ट हेबे से बट जेतु स्कोप नथिला तो सेही पई से हेई पारिलेनी। से भाबले हो से हेई पारिलेन तो मु हेबी। तांकर इंस्पिरेशन थिले जाकिर हुसैन। अच्छा बट मते तबला रे इंटरेस्ट आसिलेनी तो मोर जे गुरु थिले मु तांको पखरे गाउ थिली। से मते कहिले मु गीत लाइन ने जाय।
मो बापा को कहले से आपण याकू गीत लाइन को पठांतु ओके तबे हंसराज तमे 2016 मस्या रे तबला सिखबा तबला सिकुतले किंतु जतले बजर की भाईजान फिल्म आपण देखले सेबेठार आपण गीत गाइबा को आग्रह प्रकाश कले सतैटा ସେମିତି ମୁଁ ସାନ ବେଳୁ ବି ଏମିତି ଗୁଣୁଗୁଣା ଉଠେ ମାନେ ସାଇବାବାଙ୍କର ଭଜନ ପ୍ରଥମେ ମୋର ଇଏ ଥିଲେ ସାଇବାବାଙ୍କର ହିଁ ଗୀତ ଗାଇଥିଲି ମୁଁ ସାଇରାମ ସାଇଶ୍ୟାମ ସାଇ ଭଗବାନ ଶିରିଡ଼ି କେ ଦାତା ସବସେ ମହାନ ଏଇଟା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲି ଯେତେବେଳେ ସବୁବେଳେ ଗୁଣୁଗୁଣଉଥିଲି ଏଇଟାକୁ ତ ହଂସରାଜ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଆମ ଶ୍ରୋତାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଯେ ହଂସରାଜ ପ୍ରକୃତରେ କେମିତି ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୀତ ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ହଁ ନିହାତି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଭଜନ ଗାଇବି ଓକେ ଦୟଣା ତୁଳସୀ ବାସୁ ଥାଉ ଆଖିକୁ ଶ୍ରୀମୁଖ ଦିଶୁ ଥାଉ ଗରୁଡ଼ ପଛରେ ଠିଆ ହେଉ ହେଉ ଆରାମସେ ଲାଇନ ମନେ ପକେଇ ଦୟଣା ତୁଳସୀ ବାସୁ ଥାଉ ଦୟଣା ତୁଳସୀ ବାସୁ ଥାଉ ଆଖିକୁ ଶ୍ରୀମୁଖ ଦିଶୁ ଥାଉ ଆଖିକୁ ଶ୍ରୀମୁଖ ଦିଶୁ ଥାଉ ଗରୁଡ଼ ପଛରେ ଠିଆ ହେଉ ହେଉ ଆପେ ଆପେ ହାତ ଉଠି ଯାଉ ଏଇ ଭାଗ୍ୟ ଦିଅ ମହାବାହୁ ଏଇ ଭାଗ୍ୟ ଦିଅ ମହାବାହୁ ଗରୁଡ଼ ପଛରେ ଠିଆ ହେଉ ହେଉ ଆପେ ଆପେ ହାତ ଉଠି ଯାଉ ମହାବାହୁ ଆରାମସେ ବହୁତ ବଢିଆ ଗାଉଛ ତମେ ଟିକେ ନର୍ଭସ ଅଛ ନାଇଁ କି ତେବେ ଅପୂର୍ବ ହଂସରାଜଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିଥିବେ ଯାହା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଅନେକ ରିଆଲିଟି ଶୋରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ରନର୍ସ ଅପ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି 2017 ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆମେ କହୁଥିଲେ ଯେ ତବଲା ଶିଖିବା ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ 2017 ମସିହାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରସାରିତ ପ୍ରଥମ ଶୋରେ ମଧ୍ୟ ହଂସରାଜ ଆପଣ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲେ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ସାରେଗାମାପା ଲିଟିଲ୍ ଚାମ୍ପସ୍ରେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ 2020 2019 ସୁପରଷ୍ଟାର୍ ସିଙ୍ଗର୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଛନ୍ତି କେମିତି ଥିଲା ସେ ସମୟର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନିହାତି ଯେହେତୁ ଏମିତି ଷ୍ଟେଜ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳେନି ଆଉ ଏତେ ବଡ଼ ମ୍ୟୁଜିସିଆନ୍ସଙ୍କ ମାନଙ୍କ ସହିତ ପରଫର୍ମ କରିବା ଏତିକି ବଡ଼ ଷ୍ଟେଜ୍ ସେୟାର କରିବା ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ନିଜେ ମାନେ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିପାରିଛି ନିଜ ପାଇଁ ନିଜ ମମ୍ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ୟାଡ଼୍କୁ ପ୍ରାଉଡ଼୍ କରାଇ ପାରିଛି ଆଚ୍ଛା ଓକେ ହଂସରାଜ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ପ୍ରକୃତରେ ଏବେ କେଉଁଥିରେ ତୁମେ ପଢ଼ୁଛ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଠିକ୍ଠାକ୍ କର ଏବେ ମୁଁ 9th ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ରେ ଅଛି ସେଣ୍ଟ ଏନିସ୍ କନ୍ଭେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ନା ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ନା ବହୁତ ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯେହେତୁ ଦୁଇଟା ଯାକକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି ତ ଡେଫିନେଟଲି ଷ୍ଟଡିରେ ବି ଟିକେ ଡିଫେକ୍ସନ୍ ଅଛି ମୋର ସେମିତି 90% ଭିତରେ ରୁହେ ମୋର 90% ଷ୍ଟଡିରେ ମୁଁ ତ 40% ପାସ୍ କରିଥିଲି ଓକେ ହଂସରାଜ ଜାଣିବାକୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛି ବଡ଼ ହେଲେ କାହା ଭଳି ସିଙ୍ଗର ହେବେ ଯେତେବେଳେ କେଉଁ ସିଙ୍ଗରକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗେ ଯେ ନାହିଁ ମୁଁ ଏହା ଭଳି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ସୋନୁ ନିଗମ ଭଳି ହେବି କିମ୍ବା ମୁଁ ଯେମିତି ଅନେକ ସିଙ୍ଗର ଅଛନ୍ତି ସୋନୁ ନିଗମ କଥା କୁହନ୍ତୁ କୈଳାସ ଖେରଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଅଛନ୍ତି ତ କାହା ଭଳି ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ମୋର ତ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ସୋନୁ ନିଗମ ସାର୍ ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୀତ ଶୁଣିକି ନାହିଁ ହେଉଛି ତ ଆଉ ଡେରି କରିବାନି ହଂସରାଜ ସୋନୁ ନିଗମଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ସୋନୁ ନିଗମଙ୍କୁ ଆପଣ ବେଶ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଏବଂ ସିଙ୍ଗର ହିସାବରେ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଗାଇଥିବା ସେ ଏକ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ
सुना ये पूरी धरती तू चलाता है, मेरी भी सुन ले अरज मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू, है सुना तू भटके मन को राह दिखाता है। मैं भी खोया हूँ मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, ऐ खुदा है कहाँ रे तू। तो जबरदस्त गीतटे गायले आपण हंसराज, आम समस्त खुशी जे आपण सबु जनर गीत मध्ये गाय पारुछन्ति, भजन गाउछन्ति। देखिलु सोनू निगम कर से गीतटे जबरदस्त आपण गायले। आम जानकु चाहूँ जे ओडिया गीत भी गाय पारंती ना, ना केवल हिंदी भजन तो ओडिया गायले, ओडिया आधुनिक। हाँ निहाती ओडिया गीत भी गाई। हाँ गोटे ओडिया आधुनिक शुणा। ओडियार आधुनिक नहीं कहीं ना, आमर ग्रेट लेजेंड कंपोजर। हाँ कहतु कहतु। आमर जमीति ग्रेट लेजेंड्स अच्छा, जमीती कि अक्षय महांती, सरोज पटनायक, राधाकृष्ण भंज, एम सबू राधाकृष्ण भंज एवं सरोज पटनायक आम मयूरभर कलामाटी। अच्छा। से बहुत बढ़िया बढ़िया गीत देखते आम ओडिया इंडस्ट्री को। ताभर मु गोटे गीत अक्षय महांती गायक चाहिए। ବୟସର କୃଷ୍ଣ ଚୂଡ଼ା ରଙ୍ଗ ତୁମ ମନ୍ଦ ନୁହେଁ, ମନ୍ଦ ନୁହେଁ, ମନ୍ଦ ନୁହେଁ। ଅୟସର ନନ୍ଦିନୀ ଗୋ ସଙ୍ଗ ତୁମ ମନ୍ଦ ନୁହେଁ, ମନ୍ଦ ନୁହେଁ, ମନ୍ଦ ନୁହେଁ। ବୟସର କୃଷ୍ଣ ଚୂଡ଼ା ରଙ୍ଗ ତୁମ ମନ୍ଦ ନୁହେଁ। हाँ बढ़िया गाँव आप हंसराज यहाँ जानवाक चाहूँ जो दर्शक मैंने देखुए जो सिंगर मैंने गुरु ना नि किसी लेजेंडरी सिंगर्स कंपोजर ना नि कान एम हाथ कौन पाई दिखती कि जदि आम कान हाथ दे नाटा धरवानी तो से प्रति गोटे डिसरेस्पेक्ट हम। अच्छा। एज वीअर जूनियर देन देम। हाँ। तो तांको प्रति जो डिसरेस्पेक्ट ता हबो सेटा होची मु ये करेनी। अच्छा ओके ओके। हंसराज बुझे आपण देह भल नै बोधे लागु छी, माने टिके डल लागु छंती, वॉइस पद्य टिके जेमती देह खराब थिला बले लागे से बले लागु छी। आपण कर असुस्थ अछंती कि? हां मोर तंटी टिके बसी छी, गळा बसी छी। फिर भी आप जब बढ़िया गाँव जबरदस्त। हंसराज यहाँ जानवाक चाहूचे फ्यूचर रे संगीत क्यारिययर करेंगे ना संगीत केवल गोटे निशा हो रहा आउ कि क्यारिययर परस्यू करेंगे कि संगीत केवल निशा हो रहा पैसन से तो एज सिंगिंग इज माय हॉबी तो ताकु एमिती छाड़ी देवीनी कि ताकु छाड़ी दे अलग किसी करी जेहेतु से छोट बेलू सीखी सीखी आसुची तो मुहरी ई रे किसी गोटे करी। ओके बिल्कुल। तो हंसराज सहित आग को कथा जानवा जे पिलादिन जो एबे जो स्वप्न अच्छे भविष्य में सत हेना हम ना क्यों क्षेत्र में क्यारिययर करने को चाहूँ ता जाना आउ किसी खटामीठा कथा कि समय हो एक ब्रेक र्रेक पर खूब शीघ्र फेर छु पुणी थे हंसराज पाक। तो आम सहित हंसराज दास अच्छा 14 वर्ष जन सिंगर चमत्कार सिंगर हंसराज किसी इंटरप्रेट जो किसी जो आम क्षमा चाहूँ जेपी किसी इंपोर्टेंस न्यूज आसला कि जानवा चाहूँ आउ गोटे गीत आप शुणा चाहूँ जे हंसराज का फेवरेट गीत कौटा जो आप सोनू निगम को गाइले ना ता बाद भी आउ किसी आप पसंदीदा गीत अच्छे अतीफ इस्लाम कर गांधी टिके आम सुनिबा
दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। हाँ सीखा कभी जीना, जीना कैसे जीना, हाँ सीखा कभी जीना मेरे हमदम। जबरदस्त, बहुत ही सुंदर थिला निहत भाबरे अपूर्व जी। आतिफ असलाम को गीत मध्य बे सुंदर थाए एवं विशेष करी गीतटी मध्य समस्तकर प्रिय मध्य विशेष करी मोर मध्य अत्यंत प्रिय। बहुत बहुत धन्यवाद हंसराज आपण आसिले हम सकाळ को आहुरी सतीश कोले बहुत सुंदर कंठ आपणकर एवं आपण ढेर सारा रियलिटी शो रे मध्य आपण पार्टिसिपेट करछंती। ढेर आगो को जानतु आपणक आशा जहां भी रहिछि सबु किछि पूरण हो आंब पूरा अर्गस परिवार तरफ आपणक पाई शुभेच्छा शुभ कामना। बहुत बहुत धन्यवाद हंसराज आपण आसिले समय सरिछि सतेज सकाळ को इठ रखुछु। मते और मो सहयोगी को विदाय दियंतु। नमस्कार नमस्कार।